श्रीलंका के बाद पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश आर्थिक संकट के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। बांग्लादेश में जनता महंगाई से परेशान है। यहां सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम करीब 52% तक बढ़ा दिए हैं। कमर तोड़ महंगाई से गुस्साए लोगों ने कई जगह विरोध प्रदर्शन किए। देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। गुस्साई जनता ने पुलिस वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। देश की आजादी यानी 1971 के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे बांग्लादेश में आयात किए जा रहे तेल की सप्लाई बाधित हुई है। नतीजा यहां डीजल से चलने वाले पावर प्लांट्स पर ताले लग गए हैं। देश के करीब 10% डीजल पावर प्लांट बंद हो गए हैं। देश के केंद्रीय बैंक के खजाने में इस हद तक गिरावट आई है कि कई तरह के सामानों के आयात पर पाबंदी लगा दी गई है। बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के अनुसार 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 130 टका हो गई है। इसमें 44 टका की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 1 लीटर ऑक्टेन की कीमत अब 135 टका हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ समय से विदेशों में काम कर रहे बांग्लादेशियों की आय गिर रही है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आने का यह एक बड़ा कारण है। बढ़ते आयात ने हालात और बिगाड़ने का काम किया है। पिछले साल बांग्लादेश में विदेशी मुद्रा भंडार 45.5 अरब डॉलर था, लेकिन 20 जुलाई तक घटकर 37.67 अरब डॉलर पर जा पहुंचा।